हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल की सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो ये कढ़ाई में हमने हल्का सा ऑयल डाला है, इसमें हमने कटा हुआ पत्ता गोभी, कटा हुआ गाजर डाला है। अब हम इसमें पतले पतले स्लाइसेस में कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। एक मिनट भून लेने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हम इसमें हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि हमें इसमें सोया सॉस भी डालना है। सोया सॉस में भी नमक होता है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे। ये हमने कॉर्नफ्लावर लिया, इसमें पानी मिला के हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मिक्सचर में डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारी वेजिटेबल्स में जो भी मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा और स्टफिंग हमारी थोड़ी ड्राई हो जाएगी। तो ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। इसे हमने ज़्यादा कुक नहीं किया, इसमें क्रंचीनेस होना चाहिए। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल के हम इसे ठंडा होने देंगे। स्टफिंग जब तक हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम स्प्रिंग रोल की सीट तैयार कर लेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम मैदा डाल लेंगे। दो चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे मिक्स करते रहेंगे। हमें इसका एक मीडियम बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो ये देखिए, ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। बैटर हमारा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हम इस कढ़ाई में ही अपनी सीट तैयार करेंगे। आप चाहे तो फ्राई पैन या तवे पे भी बना सकते हैं। तो पहले हम इसे ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। बैटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बैटर हमारा बच जाएगा उसे हम निकाल लेंगे। बैटर डालते वक्त हम फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे। फिर आधे मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई करेंगे और फिर वापस से इसे लो कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी सीट बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इजीली ये निकल आ रही है। तो इधर देखिए, ये कुछ सीट्स हमने बना के रख ली है। बिल्कुल इजीली ये निकल आ रही है, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। सीड्स एक दूसरे से ना चिपके इसके लिए आप ऊपर से मैदा स्प्रिंकल कर दें। एक कटोरी में हमने दो चम्मच मैदा लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक थिक घोल तैयार कर लेंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम एक शीट ले लेंगे, इसे अच्छे से फैला लेंगे। तैयार की हुई स्टफिंग हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल बीचों बीच हम इसमें रखेंगे।
तरह से हम इसे रैप करेंगे। बचे हुए भाग में हम मैदे का घोल लगाएंगे जो हमने तैयार किया था, ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और फ्राई करते वक्त स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। तो ये स्प्रिंग रोल को हमने अच्छे से सील कर दिया है, तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे। हम इसे अच्छा क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के स्प्रिंग रोल को भी फ्राई कर लेंगे। ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हमारा स्प्रिंग रोल बनके तैयार हुआ है। मैं आपको एक स्प्रिंग रोल कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हमारा स्प्रिंग रोल बना है। आप भी इसे बना के एक बार जरूर ट्राई करें। आप इसे टोमेटो केचप या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस रेसिपी को बना के आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही ढेरों आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएँ। थैंक यू।